गुड मॉर्निंग बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड वेलकम टू दिस डेली वोकेबलरी सेशन थर्टी सिक्स टूडे तो बच्चों धीरे धीरे हम बहुत अच्छी वोकेबलरी की तरफ चल रहे हैं लगातार इस इसमें वर्क करते रहे है ना ओनली यू विल हैव टू ज्वाइन द सेशन एवरी डे बस इतना सा आपको करना है जी आई एम फाइन थैंक यू रीना हीना वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों प्रीति गुड मॉर्निंग जी बंटी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो बच्चों आज का हमारा सेशन बेसिकली डेली का थर्टी सिक्स है और हम इसमें कुछ और नए वर्ड्स करने जा रहे हैं जो डाउन करने जा रहे हैं संडे का दिन है बच्चों माइट बी के यू वर स्लीपिंग है ना यू वर स्लीपिंग बट स्टिल यू हैव बीन टू क्लास अवेकन रिचार्ज एंथोजे जी बहुत अच्छी बात है हिना वेरी गुड जी नीतू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो बच्चों चलिए आज की सबसे पहले कोटेशन देखते हैं द कोटेशन ऑफ टुडे बच्चों कोटेशन क्या कहती है हमारी आज की डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज अपनी अपॉर्चुनिटीज को मत जलाओ यानी कि वेस्ट करो फॉर अ टेम्परेरी कंफर्ट देखो टेम्परेरी कंफर्ट क्या है आज की संडे की नींद संडे की नींद बच्चों जो है हमारी वो टेम्परेरी कंफर्ट है जबकि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है हमारी वो परमानेंट होंगी बच्चों यानी कि द टाइम वी विल गेट द जॉब इट वुड बी परमानेंट जबकि नींद हमारी कैसे टेम्प्रेरी आज नहीं तो कल भी ले सकते हैं लेकिन हम उसे आज ही लेना चाहते हैं जी बच्चो गुड मॉर्निंग रूबी अंजू वेरी गुड मॉर्निंग तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं वेरी गुड रीना चलो अच्छी बात है स्लीप नहीं कर रहे हैं तो बच्चों आज के हम वर्ड को यस्टरडे के वर्ड को देखते हैं हार्ड टू प्लीज आई थिंक कल हमने जो वर्ड दिया था वो वर्ड बच्चों अलग से आपको दिया गया था जिसका मीन्स है मीगर एम ई ए जी आर ई तो बताइए मीगर का मीन्स क्या होता है कुछ बच्चों ने कल जवाब भी दिया था तो मीगर वर्ड अगर हम देखें तो इसका मीन्स बच्चों जाता है लिटिल से का मीन्स है लिटिल से बहुत थोड़ा जो स्कैर्स हो स्कार्स, तो मीगर का मीन्स है स्केर्स टाइप बहुत थोड़ी मात्रा में है ना ना के बराबर लिटिल हाँ बिल्कुल माइजर टाइप में जो यूज करे एक्टली exactly. तो इसे हम मिगर कहते हैं एम ई ए जी आर ई करेक्ट बच्चों अब हम देखते हैं हार्ड टू प्लीज इस वर्ड को हमें देखना है बेसिकली मैं बताऊं हार्ड टू प्लीज क्या है आपकी फ्रेज तो इसके लिए हम वन वर्ड कैसे यूज करेंगे ये हमें देखना है तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे क्वेश्चन नंबर वन बच्चों एक ऐसा पर्सन जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो हम उसे क्या कहते हैं जी अनु वेरी गुड मॉर्निंग तो बच्चों बताओ हार्ड टू प्लीज जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो वो लोकेशियस है स्टबन है, है या एपिक्योरियन है पिंकी ने बी बताया ओके okay, ठीक है अनु बी वेरी गुड हीना बी ठीक है जी बच्चों स्टबन बताया आपने स्टबन होता है बच्चों जिद्दी है ना स्टन होता है जिद्दी यानी इसको हम कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो जिद्दी हो ऑप्सटीनेट हो हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, लेकिन ये जो है, fastidious. इसको करना बड़ा मुश्किल है तो आंसर क्या जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है बच्चों, बच्चों कई ने जवाब दिया, fastidious का जिसे खुश करना बड़ा ही मुश्किल हो यानी इसको हम हिंदी में कहते तुनक मिजाज क्या कहते हैं बच्चों तुनक मिजाज तो आंसर हमारा क्या जाएगा सी मैंने इसको कैसे तैयार किया है हमने इसको तैयार किया है कि ये पर्सन ये पर्सन कैसा है इसकी पसंद की चीज ना तो कह देता मेरा फास्ट है और फिर नहीं खाता फास्ट रख लेता है फट से कहता है कि मेरा फास्ट है मैं नहीं खाऊंगा यानी कि इस बंदे के सामने 20 कोल्ड ड्रिंक रखी है लेकिन ये फिर भी कहता है कि लिमका तो इसमें है ही नहीं यानी कैसा है अपनी चॉइस की चीज चाहिए तुनक मिजाज है बड़ा इसको खुश करना बड़ा मुश्किल है तो आंसर क्या बन गया बच्चों हमारा सी अगला वर्ड देखो पर्सन एटी ईयर्स ऑफ एज अस्सी साल का आदमी उसे हम क्या कहेंगे सेप्टोजेनेरियन रियन ऑक्टाजिनेरियन या सेक्सोफिनेरियन क्या आंसर देंगे बच्चों टू का सी एग्जैक्टली exactly. सबको पता है बच्चों के ऑक्टो ऑक्टो का मीन्स क्या है आठ से ऑक्टोजनेरियन का मीन्स है अस्सी साल का एटी इयर्स का है ना सेवेंटी नो, नोना नाइनटी और सेक्सो का मीन्स है सिक्सटी ठीक है बच्चों तो बाकी को भी हम इसमें देख सकते हैं क्या क्या ईयर्स उनकी एज बनेगी अब देखो इसमें लिखा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम एक टोम्ब पे इंस्क्रिप्शन लिखा होता है भाई का है कि ये किसी की टोम्ब बनी हुई है टॉम का मीन्स है कब्र है ना इस पे यहां पे लिखे गए वर्ड्स इन द लविंग मेमोरी ऑफ दिस पर्सन आई एम राइटिंग दिस दिस एंड दिस है ना स्मरण लेख जिसे कहते हैं तो क्या एस्पियोनिस बनेगा एपिलॉग बनेगा एपिटअप बनेगा या बच्चों एलिजी बनेगा Exactly बच्चों बहुत अच्छा आंसर दिया है ये एपिटेफ बनेगा एपिटेफ का मीन होता है कब्र पे खुदे हुए वर्ड्स कब्र पे खुदे हुए क्योंकि इनको इंस्क्राइब किया जाता है ये लिखा नहीं जाता रिटर्न नहीं किया जाता कब्र पे खुदे वर्ड्स ये स्मरण लेख भी इसको कहते हैं एपिटाफ कहलाएगा बिल्कुल सही है बच्चों तो सी वुड द आंसर क्वेश्चन नंबर फोर फीलिंग इनसाइड यू विच टेल फीलिंग इनसाइड यू Which tells you what is right and wrong. मतलब आपके अंदर की एक feeling है जो आपको बताती है क्या सही है क्या गलत है जब भी हम कुछ गलत करने चलेंगे, तो हमें रोकता है नहीं नहीं ये गलत है लेकिन हम इसे दबा देते है, कहते हैं नहीं ये सही है और जाके उसे कर देते हैं और फिर हम फंस जाते हैं तो यही हमारा कॉन्सियंस है करेक्ट बच्चो अगले वर्ड पे आते हैं रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जब हम एक टर्म्स एंड कंडीशन को लगा के किसी प्रिजनर को रिलीज करते हैं जेल से तो बच्चों क्या कहलाता है पेरोल पेरोल पे पार्ले पे पार्डन पे एक्विटल पे बताइए बच्चों डी एक्विटल ओके ओके बी ए बनेगा रीना बंटी ए बाकी बच्चे बताएं बच्चों वो पेरोल होती है बिल्कुल सही है पेरोल का मीन होता है जमानत एक तरह से एक तरह से बच्चों जमानत कहते हैं इसको इसको कहलाती है सो रिलीज ऑफ फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन हम कहते हैं और बच्चों एक वर्ड होता है फरलो अगर आपने पढ़ा हो संजय कई बार फरलो पे बाहर आया है तो फरलो बेसिकली क्या होता है फरलो इज के उसके अच्छे कैरेक्टर को देखते हुए बेहतर कैरेक्टर को देखते हुए जेलर अपने आप उसे कुछ दिन की छुट्टियां दे दे वो फरलो कहलाती है गेटिंग एवरी अगला वर्ड देखो लॉस ऑफ मेमोरी बहुत बार पूछा गया वन वर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी क्या कहलाती है एम्ब्रोसिया इनिया या बच्चों फॉरगेटिंग क्या आंसर करेंगे हम इसका वॉट शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर जी एवरी वन नीड टू आंसर बी आंसर दिया है आपने ठीक है रूबी नीतू ने सी आंसर दिया है प्रीति ए एक्चुअली में बच्चों इसमें क्या हो पाता है कि ऐसा पर्सन जिसकी मेमोरी चली जाती है वो ये कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं एशिया में हूं या नहीं मैं एशिया में हूं या नहीं या दूसरे देश में हूं है ना किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गया हूं तो ये एशिया की बात करता है तो क्या हो गया एमनेशिया एम एम आई इन एशिया तो ये बात किसको लगती है जिसकी लॉस मेमोरी हो जाती है तो एमनेशिया इज द लॉस ऑफ मेमोरी ऐसे आप इसको याद कर सकते हो आंसर आपका बी बनेगा जबकि बच्चों नीचे जो वर्ड है ये होता है अनिद्रा का होना जब नींद नहीं आती आपको है ना एक समय आता है आपको नींद नहीं आती जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो आपकी नींद बच्चों बंद हो जाएगी अगले वर्ड को हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज देयर जी बिल्कुल ठीक है स्ट्रगल हेल्पलेसली हेल्पलेसली स्ट्रगल करने को हम क्या कहते हैं फाउंडर फाउंडर फंबल फिंगर बताइए हेल्पलेसली स्ट्रगल करना क्या कहलाता है फ्लाउंडर करना फाउंडर करना फंबल करना या बच्चों फिंगर करना जी ओके ओके बी एग्जैक्टली ये बच्चों ए बनेगा फ्लाउंडर फ्लाउंडर का मीन होता है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली यानी कि एक तरह से बिना हेल्प के ही वे में स्ट्रगल करना तो इसे कहते हैं स्ट्रगल हेल्पलेसली फाउंडर करना अब देखो आगे कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रोसीडेंस यानी कि ऐसे देखो आपका अगर बाहर से कोई प्रेसिडेंट आता है राष्ट्रपति आता है या फिर बच्चों पीएम आता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टेटमैनशिप डिप्लोमेसी हार प्रोटोकॉल जीएसएस गुड मॉर्निंग उसे हम बच्चों क्या कहेंगे हरार प्रोटोकॉल डिप्लोमेसी या स्टेट्समैनशिप सब बच्चे बताएंगे डी आंसर बिल्कुल सही है अनु बंटी वेरी गुड जी रीना बिल्कुल सही है वो बच्चों प्रोटोकॉल कहलाता है प्रोटोकॉल और देखो हरार की का मीन्स होता है पदसोपान यानी कि पदों की सीढ़ी है ना नीचे सबसे बहुत सारे होंगे लेकिन वो छोटी रैंक में होंगे सबसे ऊपर बड़ी रैंक वाला होगा डिप्लोमेसी आप जानते हैं स्टेटमैनशिप आप जानते हैं अगले वर्ड पे आते हैं कहता है कि टू रिनाउंस हाई पोजीशन हाई पोजीशन को छोड़ना ओप अथॉरिटी और कंट्रोल हाई पोजीशन को छोड़ना क्या कहलाएगा एबडक्ट करना एबंडन करना एबोर्ट करना या एबडिकेट करना जी बच्चों बताइए क्या आंसर बनेगा टू रिनाउंस हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल देखो एबडक्ट का मीन्स तो होता है एक तरह से किसी का अपहरण करना एबेंडन का मीन्स है छोड़ना एबोर्ट का मीन्स है अलग हट जाना और अबडिकेट का मींस भी छोड़ना है बी अबंडन ओके ठीक है देखो बच्चों अबंडन होता है किसी जगह को छोड़ देना लेकिन जब हाई अथॉरिटी पोजीशन को छोड़ते हैं तो इसे अबडिकेट कहते हैं जैसे गद्दी को खाली करना जैसे गद्दी होती है ना राजा की गद्दी है भई ये इस गद्दी को जैसे ही आप खाली करते हैं ये अबडिकेशन कहलाता है अबडिकेशन आगे बात समझ में तो आंसर आपका क्या रह डी तो कई सारे का मीन्स छोड़ना है लेकिन हाई अथॉरिटी के की पोस्ट को छोड़ना बच्चों एबडिकेट करना कहलाएगा क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं नॉट टू बी रिमोव बाय एंट्रीटी जिसको एंट्रिटी से मूव ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा रिग्रेस नेग्लिजेंट इनएक्सप्लोर इनएक्बल या डेस्पोटिक बताइए बच्चों मतलब सीधी सी बात ये है मैं आपको बता दूं भाई कोई ऑथोरिटी की कंडीशन में बैठा है सबसे ऊपर बैठा है यहां पर यहां पर बैठा है तो कब हम किसी एंट्रिटी या लॉसिव से नहीं हटा सकते कब ऐसा पॉसिबल होता है भाई सीधी सी बात है जब वो गुंडा हो बहुत बड़ा गुंडा हो है ना और गुंडा कौन होता है डेस्पोट उसे कहते हैं बच्चों डेस्पोट डेस्पोट का मीन्स है गुंडा और डेस्पोटिज्म क्या है डेस्पोटिज्म डेस्पोटिज्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड गुंडा राज गुंडा राज और बच्चे डेस्पोटिक होता है वो पर्सन जिसमें गुंडे वाले गुण गुंड होते तो आंसर आपका डी बनेगा सो नोट टू बी रिमूव बाई एंटिटी वो डेस्पोटिक कहलाएगा माफिया कहलाएगा एक तरह से उसे ही हम छोड़ देते हैं हाँ बिल्कुल सही है गुंडावाद तो आंसर बच्चों क्या बना आपका डी एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल एक ऐसा पोर्शन जो बच्चों सैंपल का वर्क करता है बताओ क्या बनेगा स्पेसिफिकेशन स्पेक्टर स्पेक्टिकल या स्पेसिमेन आपने देखा भी होगा जो बुक्स आती हैं आपने देखा बुक्स आती हैं आपके लाइक बुक स्टोर पे तो उस उसपे लिखा होगा स्पेसीमेन कॉपी स्पेसीमेन कॉपी तो उसमें लिखा होता तो हाँ है नीचे नॉट नॉट टू टू बी बी सोल्ड सोल्ड जी बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली exactly, बच्चों डी आंसर जाएगा स्पेसीमेन होता है तो अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल अगर सैंपल का वर्क करता है वो स्पेसीमेन कॉपी कहलाती है बिल्कुल ठीक है टेल नंबर द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रोपोजल वोट जब हम एक प्रोपोजल वोट को सबमिट करते हैं तो बच्चों ये क्या कहलाता है इलेक्शन डिफरेंस पॉपुलैरिटी या रेफरेंडम जी बच्चों बिल्कुल ठीक है बनाते जाइए सबमिटिंग अ प्रोपोजल वोट क्या कहलाएगा रेफरेंडम हां जी बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे बच्चे ये रेफरेंडम कहलाएगा बच्चों मतलब इलेक्शन तो होता है द आर्ट या फिर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग इलेक्टिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेकिन यहां पे हम प्रैक्टिस सबमिटिंग अ अपना सबमिट करना इसको रेफरेंडम कहते हैं है ये भी इलेक्शन जैसा ही अगले वर्ड पे आते हैं अ मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन पॉइजन का मीन्स होता है बच्चों जहर तो ऐसी दवा जो जहर के उल्टे असर करे एंटी जहर हो तो उसे हम क्या कहते हैं एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक एंटीडोट या एंटीफंगल सब बच्चे बताएंगे जनमत संग्रह हां जी बिल्कुल सही है ज्योति करेक्ट बात होगी नंबर को समझाना है है रेफरेंडम बिल्कुल ऐसे होता है जो आप वोट डालते हैं ना अनु आप वोट डालते हैं जो बॉक्स में डालते हैं या फिर अपना रेफरेंडम देते हैं अपना मत देते हैं वहां पर यही रेफरेंडम कहलाता है सी आंसर का है बच्चों ने एंटीडोट बिल्कुल सही है एंटीडोट का मीन होता है विश्वर हिंदी में इसको बच्चों कहते हैं को हरने वाला तो इसे क्या कहते हैं हम यानी खाने के बाद human being में अगर poison होता है है। तो वो खत्म हो जाता है। One who hates marriage, एक ऐसा जो marriage को करता करता है, है? करता है, ये कैसा ना खुद शादी किसी और को करने देता है ना ही अपने बच्चों को करने देता है तो बच्चों ये कैसा है? मिसेंथ्रोप, या जी प्रदीप गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग रूबी ने सी कहा है मीजो गाइनिस्ट ओके और बच्चे बताएं मीजो गेमिस्ट बंटी ने कहा है बच्चों ध्यान से देखना देखो गाइनी अगर आप इस सी को देखें गाइनी इसका मीन होता है स्त्रियों से नफरत करने वाला ना कि शादी से लेकिन जब हम कहते हैं गेमी गेमी गेम होता है शादी सबसे बड़ी शादी दुनिया में बच्चों क्या है सबसे बड़ा गेम क्या है दुनिया में शादी गेम तो गेमी को लगाएंगे मोनोगेमिस्ट पोलीगेमिस्ट बाईगेमिस्ट तो यहां पे क्या है मीजोगेमिस्ट एक पर्सन जो शादी से हेट करता हो वो मीजो गेमिस्ट कहलाएगा करेक्ट हो गया बच्चों हाँ जी बच्चों गेमिस्ट से याद रखेंगे थाविंग स्नो यानी कि थाविंग स्नो स्नो का बहुत बड़ा होना ये क्या कहलाएगा स्लज कहलाएगा स्लस कहलाएगा स्लोस कहलाएगा कह या स्लेस कहलाएगा बताइए स्नो का थाव होना बहना बहुत बड़ा तो क्या कहलाएगा बच्चों बेसिकली इट वुड बी कोल्ड स्लस एस एल यू एस एच तो थाविंग सुनो, क्या कहलाता था? है स्लस कहलाता है यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है स्लस तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा बी बी फॉर बॉम्बे करेक्ट बच्चों करेक्ट एवरी वन नीचे वाले वर्ड्स पे आते वर्ड पे आते हैं वन हु स्पेशलाइजेस इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस देखो क्या है मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस के मैथमेटिक्स में हम उसे क्या जवाब देंगे स्टेटिशियन एक्चुअरी एजेंट या फिर एनट क्या आंसर बनाएंगे बच्चों ए अच्छा देखने में स्टैटिटीश लग रहा है कि Statistician होगा लेकिन वास्तव में इसको कहते हैं एक्चुअरी एन एक्चुअरी तो ध्यान से देखो वन हु स्पेश इन मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस के मैथमेटिक्स स्पेशलाइज करता है उसको एक्चुअरी कहते हैं सब बच्चों को ध्यान में रखना है वरना हम इस इसका आंसर ए लगा के अपना एक नंबर भी जोड़ लेंगे गलती हो जाएगा अगला वर्ड देखो बच्चों वॉयलेशन ऑफ द सेंटिटी सेंटिटी का मीन होता है प्योरिटी वॉयलेशन ऑफ द सेंटिटी ऑफ द चर्च चर्च की सेंकटिटी को भंग करना वॉयलेट करना ये क्या कहलाएगा हमारा इन्फ्रिंजमेंट इेवरेंस सेक्रिलेज या ट्रांसग्रेशन जी बच्चों बताइए क्या आंसर बनेगा और सिर्फ चर्च नहीं यहां पे बच्चों हम कहते हैं मॉस्क्यू हो गया या हम कहते हैं यहाँ पे टेम्पल हो गया सबके लिए एक ही वर्ड है टेम्पल मॉस्क्यू मतलब कोई भी धर्म स्थल हो हमारा रिलीजियस प्लेस हो अगर धर्म स्थल को हम वोलेट करते हैं उसकी सेंटिटी उसकी प्योरिटी को भंग करते हैं तो क्या कहलाता है एग्जैक्टली exactly बच्चों इट इज सेक्रिलेज इट इज सेक्रिलेज यानी कि जैसे होता है ना आपने देखा है कि मंदिर में मस्जिद में हड्डियां फेंक दी है ना मीट का टुकड़ा फेंक दिया जिससे लड़ाइयां हो गई तो वो वो एक्ट क्या कहलाता है वो सेक्रेलेज कहलाता है तो सेक्रेलेज का मीनस से है धर्म स्थल को दूषित करना तो दूषित करना लेकिन किसको बच्चों बेसिकली रिलीजियस प्लेस को सेक्रेलेज कहलाएगा अगला देखो ऑफ वन माइंड और ओपिनियन ऐसी बात जो एक माइंड या एक ओपिनियन की हो का मतलब है बच्चों उस पे सारे के सारे लोग एक ही ओपिनियन देते तो एक मत होते हो तो उसे हम क्या कहेंगे वॉलेंट्री रेफरेंडम होमोजीनियस या यूनैनिमस क्या आंसर करेंगे सब बच्चे जी बिल्कुल ठीक है अंजू। अंजू, तो एक मत कहलाता है, Unanimity, एक मत है ना यूनेनिमिटी भी और बच्चों एक दूसरा वर्ड होता है एनोनिमस इसको भी ध्यान देखेंगे इसमें गलती हो जाती है एनोनिमस का मीन्स होता है बिना नाम के बिना नाम के या फिर किसी झूठे नेम से अलग से उसे एनोनिमस कहते हैं तो एनोनिमस कहता है बिना नाम के आपने कोई चीज कही है जबकि यूनानिमस होता है एक मत से सब लोग मिलकर एक मत पे जा रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए तो हम उसे यूनानिमस कहते हैं करेक्ट बच्चों अज्ञात हां जी बिल्कुल ठीक है ही ना अब देखो वन हु ऑलवेज डाउटिंग एक ऐसा पर्सन जो हमेशा डाउट करता रहता है उसे क्या कहते हैं स्केप्टिक डेस्ट रैशनलिस्ट या पॉजिटिविस्ट बताओ बच्चों एक ऐसा पर्सन जो हमेशा डाउट करता रहता है उसे हम क्या कहते हैं आंसर कीजिए देखते हैं क्या बताते हैं बच्चे ए वेरी गुड हीना रेखा करेक्ट बात है इट इज जी बिल्कुल ठीक है रीना बंटी वेरी गुड ये बच्चों स्केप्टिक कहलाता है स्केप्टिक पर्सन ऐसा होता है ये हर चीज में नेगेटिव देखता है और उसको डाउट करता है भगवान को कह दो तो कहेगा अरे भगवान कहां है मुझे दिखाओ इसी मंदिर मस्जिद को कहते कहता है दिखाओ वहां पे अल्लाह कहां है राम कहा है कहांसेट्रा एक्सेट्रा तो पर्सन है इज ऑलवेज डाउटिंग अ कलेक्शन कलेक्शन ऑफ का का बच्चों कम इन से कलेक्टिव नाउन वर्ड है आपका क्या कहलाता है कई सारे दास मिलके इकट्ठे हो गए हो गुलाम इकट्ठे हो गए उनका ग्रुप क्या कहलाएगा कॉफल क्रू कंपनी या कॉर्टेज बताइए बच्चों ए आंसर दिया है हिना ने ओके बाकी बच्चे बताएं क्या आंसर बनेगा आपका कलेक्शन ऑफ slaves, गुलामों का ए बिल्कुल ठीक है बंटी आपने सही कहा है, रीना ठीक है ये बच्चों कोफल बनेगा सीओ डबल एफ एलई कॉफल का मीनस है कलेक्शन ऑफ स्लीव डन और बच्चों ट्वेंटी वन वर्ड पे आते हैं अ प्रोग्रेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी मतलब एक तरह से इसे कहते भाड़े का सैनिक इसे क्या कहेंगे भाड़े का सैनिक भाई अदरवाइज तो कोई भी सैनिक अपनी ही सेना में वर्क करता है अपने देश की सेना में वर्क करता है लेकिन ये भाड़े का सैनिक दूसरे में करता है इसको क्या मर्सिनरी कहते हैं लिक्विडेटर वर्नल या बच्चों हायरलिंग कहते हैं क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे मर्सिनरी है ना मर्सिनरी का मीन्स है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ये पर्सन पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है तो मर्सिनरी कहलाएगा भाड़े का सैनिक है भाड़े का टट्टू भी इसको कहते हैं तो ट्वेंटी टू नोट लाइकली टू बी इजीली प्लीज जिसको आसानी से खुश ना किया है इसको तो बता देंगे बच्चों आज आपने देखा भी इस को बताइए हार्डली तो प्लीज अभी आपने देखा था फास्ट रख लेता है फर्स्ट फट से ज्यादा समय नहीं लगाएंगे ट्वेंटी थर्ड को देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम कई सारी वाइव्स को रखते हैं ये मैनी है बच्चों एम ए एन वाई मैनी वाइज तो इसे क्या बाइगेमी कैलिग्राफी पोलीगेमी बच्चों पोलियड्री पढ़ेंगे नोट लाइकली का होता है, इस तरह से नहीं है ना नोट लाइकली का है मीन एक तरह से पोलीगेमी बहुत अच्छे सभी बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया इट इज पोलीगेमी और बच्चों ये जो नीचे पढ़ लिखे पोली एंड्री एंड्री एंड्रोज का मीन्स होता है पति से जो जिसके कई सारे पति हो वो पोलियंड्री कहलाएगी प्रैक्टिस जबकि कई सारी वाइव्स होने का मतलब है पोलीगेमी तो पोलीगेमी पॉलीएंड्री में डिफरेंस कर लिया बच्चों ने हाँ जी बहुत अच्छे जबकि बाइगेमी में दो होती है दो वाइव्स या हस्बैंड टेक ग्रेट प्लेजर क्या कहलाता है टेक ग्रेट प्लेजर क्या कहलाता है रेवेल करना सेटिस्फाइड होना अप करना ओवरहॉल करना जी हैज हुई हस्बैंड एग्जैक्टली जी बच्चों सही बात है तो बताओ टेक ग्रेट प्लेजर क्या कहलाएगा ओवर होल अपल्ड सेटिस कहलाएगा एग्जैक्टली बच्चो इट इज ए तो रेवल इज द आंसर ऑफ दिस तो रेवल का है टेक ग्रेट प्लेजर अगला वर्ड देखेंगे अ अस्ट्रॉन्ग डिसलाइक अगर हम किसी को स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करते हैं बच्चों क्या कहलाती है रेसिप्रोसिटी एंट्रिटी एनिमोसिटी या मेलाइस बताइए अस्ट्रॉन्ग डिसलाइक हमारा क्या बनेगा रेसिप्रोसिटी एंट्रीटी एनिमोसिटी या बच्चों मेलाइस देखो ध्यान से बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे एनिमोसिटी दुश्मनी है 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 लेकिन डिसलाइक डिसलाइक नहीं तो हम बच्चों इसमें आंसर रखेंगे मेलाइस मेलाइस जो होती है हो, वो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है आपकी है ना जैसे जैसे आप मुझे बताओ एक मेलाइनिटी थी एम ए एल आई जी एच टी एमएलिटी मेलाइनिटी कुछ इस तरह था मोटिवलेस लेस मेनाइलिटी मोटिव लेस मेलाइनिटी बताओ ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया था हु इज सपोज टू हैव मोटिवलेस लेस मेलाइनिटी बताओ बच्चों कौन पर्सन समझा जाता है मोटिवलेस लेस मेलाइनिटी के लिए आपके चलो मैं इतना बता देता हूं ओथेलो में था अब बताओ ओथेलो में था बताओ कौन पर्सन था मोटिव लेस के लिए जाना ये बहुत अच्छे अरे वाह ज्योति नीलम रीना सही वर्क कर रहे हो बच्चों ये एगो को जाना जाता है मेला, ये वर्ड यहीं से निकला हुआ है ये तो से, उसको भी देखिए तो डिसलाइक है, किसको इस करता है? को। करेक्ट तो देखो, आप आंसर कर रहे हो भाई वाह अंजू रेखा हीना सभी ने ज्योति ने सभी ने जवाब दिया है नीलम रीना आई लाइक like दिस बढ़िया वर्क कर रहे हो बच्चों बहुत माई कि यू विल विन लग रहा है मुझे सेलेक्ट करेंगे बहुत सारे बच्चे और फिर मुझे बताएंगे कि वी हैव एंड आई वुड बी रियली हैप्पी करेक्ट बच्चों अगले वर्ड पे आते हैं अच्छा आज का ये लास्ट वर्ड था आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को टेलीग्राम से वहां पे मिल जाएगी बच्चों इस वीडियो को शेयर करेंगे लाइक करेंगे ये बहुत जरूरी है शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे ठीक है और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम Thank you, Vachu. thank you so much.